नमस्कार मित्रों, आज के दूसरे वीडियो में अभी तक हमने देखा था राजस्थान की प्राचीन सभ्यताओं का एक जनरल इंट्रोडक्शन, और उसी इंट्रोडक्शन के तहत हम राजस्थान की सभ्यताओं की बात करने जा रहे हैं। राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है, और इस राजस्थान के अलग अलग क्षेत्रों में विभिन्न काल के अंदर अलग अलग सभ्यताएं विकसित हुई हैं। ये सभ्यताएं कौन कौन सी है पहले हम इसकी जानकारी देख लेते हैं, उसके बाद हम इन सभ्यताओं को विस्तार से अध्ययन करेंगे। राजस्थान एक विस्तृत भूभाग का क्षेत्र है। राजस्थान के अंदर सबसे विकसित सभ्यताओं में जो सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी आज तक की खोज मानी गई है, उस सभ्यता का नाम आता है कालीबंगा। दक्षिणी राजस्थान के अंदर सबसे विकसित और लब्ध प्रतिष्ठित सभ्यता के रूप में नाम आता है आहड़। पूर्वी राजस्थान के अंदर दो सभ्यताएं बेराट और गणेश्वर, इनके अतिरिक्त भीलवाड़ा जिले के अंदर प्रसिद्ध सभ्यता है बागोर, उदयपुर जिले के अंदर प्रसिद्ध सभ्यता है बालाथल, चित्तौड़ जिले में प्रसिद्ध सभ्यता है नगरी, चित्तौड़ में ही प्रसिद्ध केंद्र खोजा गया नाम है घोसुंडा, बांसवाड़ा जिले में खोजा गया केंद्र है अर्थुणा, माउंट आबू के अंदर खोजी गई सभ्यता है चंद्रावती, जालौर जिले में खोजा गया केंद्र है भीनमाल, बाड़मेर जिले में खोजे गए केंद्र है तिलवाड़ा, और राजस्थान का खजुराहो के नाम से प्रसिद्ध केंद्र है किराड़ू। इसके अतिरिक्त हम बात करें जैसलमेर जिले के अंदर प्रसिद्ध केंद्र है लोदरवा। डॉक्टर अमलानंद घोष ने कालीबंगा फर्स्ट के नाम से एक सभ्यता को अंगीकृत किया है, ये बीकानेर जिले में खोजी गई सभ्यता है, नाम है सौंथी। सौंथी को कालीबंगा फर्स्ट कहा है डॉक्टर अमलानंद घोष ने। इसके अलावा जोधपुर जिले के अंदर हम बात करें मंडोर, ओसिया, लूणी, बिलाड़ा। प्राचीन सिक्कों का राजस्थान में सबसे बड़ा भंडार खोजा गया है रेड। हथियारों के निर्माण के लिए फेमस सभ्यता थी नगर। इंसान को पक्षी पर बैठकर उड़ते हुए दिखाया गया गरड़दा सभ्यता में। आदि मानव के राजस्थान में निवास के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं इंद्रगढ़ में। कोटा जिले के अंदर सभ्यता का सबसे प्रसिद्ध केंद्र है कणसुआ और दूसरा है टिपटिया, और झालावाड़ में बौद्ध धर्म की गुफाएं खोजी गई है, स्थान है कोलवी। भरतपुर में एक ऐसी सभ्यता जहां पांच अलग अलग युग की सभ्यताएं खोजी गई, नाम है नोह के निकट प्राचीन दुर्ग है बयाना, साथ में एक सभ्यता है दर, साथ में एक सभ्यता है जहां प्राग ऐतिहासिक काल के हड्डियों से बने शस्त्र खोजे गए, नाम है मल्ला। अलवर जिले के अंदर प्राचीन शैल चित्रों के प्रमाण मिले हैं डड्डी कर, ठीक है। इसके साथ साथ हम चले तो कालीबंगा के निकट ही खोजी गई सभ्यता है रंग महल, बड़ोपल, पीलीबंगा, मुंडारी आदि। गंगानगर जिले के अंदर खोजा गया है अरूपगढ़, बरोल और डेरा तरखानवाला। बीकानेर जिले में खोजी गई प्रसिद्ध सभ्यता है पुंगल, छापरी, डाडा थोरा, सावनिया। जैसलमेर जिले में और केंद्र खोजा गया ओला और कुंडा। इस तरह से राजस्थान के लगभग हर जिले के अंदर कोई ना कोई सभ्यता खोजी गई है। अब इन सारी सभ्यताओं में से मोस्ट इंपॉर्टेंट सभ्यताएं जिनमें से राजस्थान के विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार क्वेश्चन पुट अप किए जाते हैं, इनमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, वो सभ्यता है कालीबंगा। उसके बाद दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा क्वेश्चन जिससे पूछे जाते हैं वो है आहड़, और इनके अतिरिक्त बागोर, बालाथल, गणेश्वर और बेराट। ये ऐसी सभ्यताएं हैं जिनसे
हर एग्जाम में एक ना एक क्वेश्चन निकाल लिया जाता है, चाहे वो आरएस का हो, चाहे वो रीट का हो, चाहे पटवार का हो, चाहे कांस्टेबल का हो, या राजस्थान लेवल का कोई भी एग्जाम हो, अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड और आरपीसी के एग्जाम में इन सभ्यताओं के विषय में घुमा फिरा कर क्वेश्चन किए जाते हैं। तो हम आज इन्हीं से शुरुआत करेंगे। आज का हमारा टॉपिक होगा कालीबंगा सभ्यता। कालीबंगा वर्तमान में जिस जिले में ऐसा, उस जिले का नाम है हनुमानगढ़, और हनुमानगढ़ पूर्व में हिस्सा था जिस जिले का, उस जिले का नाम है गंगानगर। गंगानगर हनुमानगढ़ के अंदर बहने वाली एकमात्र नदी है, नदी का नाम है घग्गर, और घग्गर पाकिस्तान के जिस प्रांत में जाती है उस प्रांत का नाम है सिंध, और सिंध प्रांत में बहने वाली एक बड़ी नदी है, नदी का नाम है सिंधु, और सिंधु सभ्यता से जुड़ा हुआ राजस्थान का सबसे प्रसिद्ध केंद्र कौन सा है, तो आप करोगे कालीबंगा। कालीबंगा सभ्यता का संबंध किस सभ्यता से है, सिंधु सभ्यता से। सिंधु सभ्यता किस युग की है, तो सिंधु सभ्यता का विकास हुआ साहब कौन से युग में, कांस्य युग में। तांबे से बाद में डेवलप हुई कांस्य युग की सभ्यता, वह सभ्यता थी सिंधु सभ्यता। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा केंद्र पाकिस्तान में हड़प्पा, और दूसरा बड़ा केंद्र है मोहनजोदाड़ो। इनके बाद हम बात करें तो पाकिस्तान में गनेडीवाल, चन्हुदड़ो, और राजस्थान के अंदर कालीबंगा, गुजरात में लोथल, पंजाब में रोपड़ आदि ऐसे केंद्र है। सिंधु सभ्यता का वह केंद्र जो आजादी के बाद स्वतंत्र भारत में सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा केंद्र कौन सा खोजा गया, तो स्वतंत्र भारत के अंदर सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा केंद्र राजस्थान में खोजा गया, उसका नाम है कालीबंगा। और कालीबंगा सभ्यता वर्तमान में किस जिले में है, हनुमानगढ़ में। कालीबंगा की खोज किस जिले में की गई थी, यानी उस टाइम जिला था गंगानगर, वर्तमान में गंगानगर से अलग होकर बन गया हनुमानगढ़। गंगानगर हनुमानगढ़ में बहने वाली एकमात्र नदी कौन सी है, घग्गर। घग्गर को प्राचीन वैदिक साहित्य में कहा गया है सरस्वती, और इसी घग्गर के प्रवाह को पाकिस्तान में कहते हैं हकर। तो इंडियन हिस्ट्री के अंदर एक क्वेश्चन इससे जुड़ा हुआ आ सकता है, वो भी आपको ध्यान रखना साहब। सिंधु सभ्यता के सर्वाधिक केंद्र किस नदी मार्ग पर खोजे गए, तो वो नदी मार्ग कहलाता है घग्गर हकरा। घग्गर हकरा मार्ग पर सिंधु सभ्यता के आज तक सबसे ज्यादा केंद्र खोजे गए हैं, और घग्गर हकरा मार्ग पर खोजा गया सबसे विकसित और सबसे लब्ध प्रतिष्ठित सभ्यता कौन सी है, तो करेंगे कालीबंगा। तो आज का हमारा टॉपिक होगा कालीबंगा सभ्यता। अब कालीबंगा सभ्यता की पृष्ठभूमि को समझने से पहले हमें थोड़ा सा सिंधु सभ्यता और उसके क्षेत्र को भी जानना होगा। सिंधु एक नदी है जिसका उद्गम तिब्बत के पठार या तिब्बत क्षेत्र से चाइना से होता है, कैलाश मानसरोवर श्रेणी के अंदर एक ग्लेशियर से, और ये नदी पाकिस्तान में होकर अरब सागर तक जाती है। सिंधु की सहायक नदियों में सबसे लंबी नदी का नाम आता सतलज। सतलज दरिया आगे चलकर जिस दरिया में मिलती है उस दरिया का नाम है चिनाब। चिनाब में मिलने वाली एक अन्य सहायक नदी का नाम है रावी, और सतलज में मिलने वाली सहायक नदी है व्यास। इन सभी का साथ एक और नदी मिल जाती है, उस नदी का नाम है झेलम। झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलज का प्रवाह क्षेत्र कहलाता पंजाब, और ये सभी नदियां आगे चलकर जिसमें मिलती है उसका नाम है सिंधु। अब इनसे नीचे एक नदी बहती थी, इस नदी के प्रवाह का भी प्राचीन काल में कहते हैं कि ये नदी समुद्र तक जाती थी, किन्हीं कारणों से ये अंत्य प्रवाही हो गई साहब। इस प्राचीन नदी को वर्तमान में पाकिस्तान में कहते हैं हकरा। हरियाणा, राजस्थान में अधिकांश जगह इसे कहते हैं घग्गर। राजस्थान के लोग इसे जानते हैं नाली, और जहाँ से ये निकलती है उस स्थान का वैदिक नाम है इसका सरस्वती। सरस्वती कहें, घग्गर कहें, नाली कहें या हकरा कहें, नाम एक ही है,
और इन्हीं के बीच प्राचीन सभ्यता डेवलप हुई थी सिंधु से लेकर सरस्वती का क्षेत्र, सिंधु से सरस्वती का क्षेत्र, ये जो डेवलप क्षेत्र था ये कहलाया सिंधु घाटी सभ्यता केंद्र। और यहाँ इसका विकास अफगानिस्तान, भारत और पाकिस्तान में हुआ है। मेन नदियाँ यहाँ की दो ही थी, सिंधु और सरस्वती। और इसी सरस्वती को कहते हैं घग्गर नाली या हकरा। और इसी नदी के किनारे राजस्थान में खोजा गया है काली बंगा। तो अभी हमारा अध्ययन का टॉपिक है कालीबंगा सभ्यता। कालीबंगा सभ्यता का संबंध किस प्राचीन सभ्यता से, तो आप करोगे सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता की दो प्रमुख नदियां कौन सी थी, पहली सिंधु और दूसरी बड़ी प्रमुख नदी थी सरस्वती। सरस्वती को ही क्या कहते हैं, घग्गर नाली या हकरा। तो ये सभ्यता किस नदी किनारे है, घग्गर नदी किनारे। घग्गर नदी के किनारे आजादी के बाद सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा केंद्र कौन सा खोजा गया, तो हम करेंगे कालीबंगा। तो हमारा आज का टॉपिक हो गया कालीबंगा सभ्यता। अब देखिए दोस्तों, ध्यान रखना है कालीबंगा सभ्यता का विकास जिस नदी घाटी पर हुआ वो नदी निकलती है शिवालिक श्रेणी से, जो कि हिमालय की सबसे दक्षिणी पहाड़ियां हैं जहां पर बर्फ नहीं जमती, सबसे कम हाइट का हिमालय है। और यहाँ सदाबहार नदियां ना होकर अधिकांश मौसमी नदियां इन्हीं शिवालिक पहाड़ियों में स्थान है। शिमला के निकट स्थान का नाम है कालका पहाड़ी, और कालका पहाड़ी में हिमाचल प्रदेश की राजधानी है शिमला। हिमाचल प्रदेश शिमला से कालका पहाड़ी से निकलकर एक नदी लगभग 495 किलोमीटर बहने के बाद पाकिस्तान में जाकर अंत्य प्रवाही हो जाती है। इस अंत्य प्रवाही होने वाली नदी का नाम है घग्गर, और इसी घग्गर को पाकिस्तान के अंदर हकरा के नाम से भी जाना जाता है। जहाँ से ये निकल रही है वहाँ इसका नाम है सरस्वती। इसके बाद इस पर अगला स्टेट आया हरियाणा, और हरियाणा में इसे कहते हैं घग्गर। उसके बाद ये राजस्थान में एंटर करती है, और ये नदी राजस्थान के दो जिलों में बहती है साहब। पहला जिला है हनुमानगढ़ और दूसरा जिला है गंगानगर। ठीक है, ये आ गया आपका राजस्थान। और उसके बाद ये नदी बहते हुए पाकिस्तान तक जाती है। पाकिस्तान में जाते जाते ये नदी अंत्य प्रवाही हो जाती है, और पाकिस्तान में जहां पर जाकर ये नदी गायब हो जाती है उस स्थान का नाम है फोर्ट अब्बास। डिस्ट्रिक्ट है बहावलपुर, स्टेट है सिंध, और यहां इस नदी को कहते हैं हकरा, जबकि राजस्थान के निवासी इस नदी को कहते हैं नाली। नाली का प्रवाह राजस्थान के दो जिलों में है। पहला जिला है हनुमानगढ़ और दूसरा जिला है श्री गंगा नगर। और इसी नदी मार्ग के ऊपर हनुमानगढ़ जिले में एक सभ्यता खोजी गई है जो नदी के दोनों किनारों पर अवस्थित है। उस सभ्यता का नाम है कालीबंगा। अब देखो कालीबंगा सिंधी भाषा का शब्द जिसका अर्थ है काले रंग की चूड़ियां, अर्थात काले रंग की चूड़ियां को कहा गया है कालीबंगा। तो कालीबंगा सभ्यता का नामकरण किस भाषा में हुआ है, सिंधी भाषा में। कालीबंगा सभ्यता किस नदी पर है, घग्गर नदी पर। घग्गर नदी को राजस्थान में क्या कहते हैं, नाली। नाली या घग्गर नदी राजस्थान के कितने जिलों में बहती है, दो, पहला हनुमानगढ़ दूसरा गंगानगर। और पाकिस्तान में इसके प्रवाह को क्या कहते हैं, हकरा।
ठीक है, तो इसी पर हम बात कर रहे हैं, सभ्यता हो गई हमारी कालीबंगा। अब आता है कालीबंगा के विषय में सबसे पहले जानकारी देने वाला विद्वान कौन था, तो कालीबंगा के विषय में प्रथम जानकारी देने वाला एक भाषा वैज्ञानिक था, इस भाषा वैज्ञानिक का नाम है एल पी टेसिटोरी, डॉक्टर एल पी टेसिटोरी, जिन्होंने बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह ने राजस्थानी भाषा के विकास, उत्पत्ति और उद्भव के लिए यहाँ पर खोज के लिए बुलाया था, उन्होंने बताया कि यहाँ पर इस नदी किनारे कोई सभ्यता हो सकती है। जब भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ और हड़प्पा मोहनजोदड़ो जैसे केंद्र पाकिस्तान में चले गए, तो उसके बाद भारतीय पुरातत्व विज्ञानों ने नई खोजबीन स्टार्ट की। इसी क्रम में सबसे पहले इस सभ्यता की खोज हुई साहब, तो खोजकर्ता का नाम आता है डॉक्टर अम्लानंद घोष। डॉक्टर अम्लानंद घोष ने इसकी खोज की है सन 1951-52 के वर्ष में। तो पहला क्वेश्चन हो गया कि कालीबंगा के विषय में सबसे पहले जानकारी देने वाले विद्वान कौन थे, आप करोगे एल पी टेसिटोरी। दूसरा क्वेश्चन आया कि कालीबंगा की खोज किसने की, आप करोगे डॉक्टर अम्लानंद घोष। कालीबंगा किस भाषा का शब्द है, सिंधी भाषा का शब्द। कालीबंगा वर्तमान में किस जिले में है, हनुमानगढ़। अब यहां पर एक बात ध्यान रखने का दोस्तों, क्वेश्चन कई बार घुमा कर दे दिया जाता है कि कालीबंगा सभ्यता की खोज सन 1951-52 में किस जिले में की गई थी, यानी उस टाइम तक हनुमानगढ़ जिला नहीं बना था, तो हनुमानगढ़ जिला आरंभ में किसका अंग था, गंगानगर में। तो कालीबंगा की खोज किस जिले में की गई थी, गंगानगर में। कालीबंगा वर्तमान में किस जिले में है, तो हनुमानगढ़ में। कालीबंगा के विषय में सबसे पहले जानकारी किसने दी, लुईस पियर टेसिटोरी, एक भाषा वैज्ञानिक, और इसकी खोज किसने की, अम्लानंद घोष। फिर आता है कि सभ्यता का विस्तार से उत्खनन किसने करवाया, तो उत्खननकर्ता के अंदर तीन नाम आते हैं। पहला नाम आता है ब्रज बिहारी लाल, दूसरा आता है बाल कृष्ण थापर, तीसरा बड़ा नाम आता है माधो स्वरूप वत्स। इन तीनों विद्वानों ने मिलकर इसका उत्खनन करवाया। इसका उत्खनन का काल है 1961-69 तक। तो खोजकर्ता हो गए एलपी टेसिटोरी, सॉरी खोजकर्ता हो गए अम्लानंद घोष, जानकारी देने वाले हो गए टेसिटोरी, उत्खनन करता हो गए बीबी लाल, बीके थापर और माधव स्वरूप वत्स। इनके नाम आपको याद रखने हैं। सभ्यता कौन सी आई, कालीबंगा। कालीबंगा का संबंध कौन से युग से है, कांस्य युग। और कांस्य युग का संबंध किस सभ्यता से माना गया है, सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़ी हुई। अब यहां पर एक विद्वान और आए, इन विद्वान का नाम है डॉक्टर दशरथ शर्मा। अकॉर्डिंग टू मिस्टर डॉक्टर दशरथ शर्मा, डॉक्टर दशरथ शर्मा कहते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता की पहली राजधानी थी हड़प्पा, दूसरी राजधानी डेवलप हुई मोहनजोदड़ो, और इनके बाद तीसरी राजधानी के रूप में विकसित हुआ, यानी इन दोनों के नष्ट होने के बाद तीसरी राजधानी के रूप में विकसित हुआ कालीबंगा। कौन कह रहा है ये, डॉक्टर दशरथ शर्मा। डॉक्टर दशरथ शर्मा के अनुसार सिंधु सभ्यता की तीसरी राजधानी है कालीबंगा, और डॉक्टर दशरथ शर्मा कहते हैं कि कालीबंगा सिंधु सभ्यता का पांचवा सबसे बड़ा नगर था। तो सिंधु सभ्यता का पांचवा सबसे बड़ा नगर और तीसरी राजधानी बताने वाले विद्वान का नाम, तो आप करोगे डॉक्टर दशरथ शर्मा। अब विद्वानों विद्वानों से जुड़े हुए यहां पर पांच क्वेश्चन हो गए साहब। पहला क्वेश्चन हुआ सबसे पहले जानकारी देने वाला विद्वान एल पी टेसिटोरी, दूसरा क्वेश्चन हुआ खोज करने वाला विद्वान अम्लानंद घोष, तीसरा क्वेश्चन हुआ उद्धरण करवाने वाले विद्वान कितने थे, तो बीबी लाल, बालकृष्ण थापर और माधव स्वरूप वत्स। सबसे अंत में उत्खनन किसने करवाया, तो माधव स्वरूप वत्स ने। और वह विद्वान जिसने कालीबंगा को सिंधु की तीसरी राजधानी और पांचवा सबसे बड़ा नगर बताया, उस विद्वान का नाम हुआ डॉक्टर दशरथ शर्मा। क्वेश्चन आ जाए कि कालीबंगा वर्तमान में किस जिले में है, हनुमानगढ़ में। कालीबंगा किस नदी पर है,
घग्गर नदी पर। कालीबंगा किस युग की है? कांस्य युग की। कालीबंगा किसके समकालीन है? सिंधु घाटी सभ्यता। अब कालीबंगा सभ्यता के विषय में मोर डिटेल में हम बात करते हैं, तो कालीबंगा सभ्यता का विकास विकास काल, इसका विकास काल मूल रूप से माना गया है 2300 से 1750 ईसा पूर्व में मुख्य रूप से। और ये बताने वाला वैज्ञानिक तथ्य जो इसको सिद्ध करता है उसका नाम है कार्बन डेंटिंग पद्धति, जिसे हम C14 भी कहते हैं। तो ये कालीबंगा सभ्यता का विकास काल माना गया। अब कालीबंगा सभ्यता दो टीलों में विकसित हुई, एक पश्चिमी और दूसरा पूर्वी। पश्चिमी टीला, पूर्वी टीला। पश्चिमी टीले की बात करें तो पश्चिमी टीले को विद्वानों ने नाम दिया है गढ़ी क्षेत्र या दुर्ग टीला, और पूर्वी टीले को नाम दिया है नगर क्षेत्र। पश्चिमी टीले में अवशेष खोजे गए हैं 2450 ईसा पूर्व के, जबकि पूर्वी टीले के अंदर अवशेष मिले हैं 2300 से 1750 ईसा पूर्व के। तो यहाँ दो अलग अलग टीले डेवलप हुए हैं, एक नदी के पश्चिमी किनारे पर जो कि पहले डेवलप हुआ और एक नदी के पूर्वी किनारे पर। ठीक है, पूर्वी टीले का विकास काल माना गया हड़प्पा काल और पश्चिमी टीले का डेवलपमेंट हुआ प्राक हड़प्पा काल। यानी कालीबंगा का एक टीला हड़प्पा से भी अधिक प्राचीन था, इसी कारण इसे नाम दिया प्राक हड़प्पा काल। तो हड़प्पा से भी प्राचीन अवशेष किस टीले में खोजे गए? तो आप करोगे पश्चिमी टीला। पश्चिमी टीले के अंदर हड़प्पा से भी प्राचीन अवशेष खोजे गए। यहीं पर विश्व में पहली बार जुता हुआ खेत भी खोजा गया। यहीं पर दुर्ग निर्माण के अवशेष खोजे गए, इस कारण इसका नाम रखा गया गढ़ी या दुर्ग टीला। पश्चिमी टीले के बाद हम आते पूर्वी टीले में, तो यहां पर समुचित समकोण पर काटती हुई सड़कें और नगर नियोजित नगर खोजा गया। भवन निर्माण संयोजित अलंकृत ईंटें, कच्ची ईंटें, लकड़ी की नालियां आदि तथ्य खोजे गए। तो इसको नियोजित क्षेत्र होने के कारण विद्वानों ने नाम दिया नगर क्षेत्र। दो अलग अलग क्षेत्र हुए, एक गढ़ी क्षेत्र और दूसरा नगर क्षेत्र। तो अभी हम इनके विषय में आगे